Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss a new topic, that is linkage between secondary and higher education in the main theme of contemporary issues of education, your contemporary issues in education. So this lecture will be useful to you for your general understanding as well as for your competitive speaking examinations. And the lecture will be in bilingual mode as usual. So, paper kya discuss kar raha hai? Ye aaj ka video kya discuss karega aapke saath? Ki linkage between secondary and higher education. Dekhiye, kai sare commissions, committees mein ye kaha gaya hai. Hum bhi jante hain ki jo secondary education hai, wo primary education aur higher education ke beech ki kadi hai. फिर ये कहा गया कि सेकेंडरी एजुकेशन इज द वीकेस्ट लिंक. ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा है हमारे देश की, वो सबसे कमजोर कड़ी है, तो उसको सुधारा जाए. तो यहीं से वोकेशनलाइजेशन का पॉइंट आता है कि चूंकि उसके पास मल्टीपर्पज स्कूल नहीं है, आप डिफरेंट तरीके के कैलिबर को कैटर करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन ये एंड ऑल. तो अभी हम वोकेशनलाइजेशन पे नहीं फोकस कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच की कड़ी है, ये क्या कोई कड़ी यहाँ विद्यमान है? इज देयर एनी लिंकेज? और देयर इज एब्सोल्यूट सेकेंडरी एजुकेशन अलग पड़ी है, हायर एजुकेशन अलग पड़ी है? तो हम जानते हैं कि हाँ, ऐसी ही कुछ दशा है. सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में कोई लिंकेज हमको नहीं दिखाई देता है. तो ये एनईपी 2020 को भी नहीं दिखाई दिया, और ये पूरा डिस्कशन जो आपसे होगा वो एनईपी 2020 के रिकमेंडेशंस के लाइट में ही है. तो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, इसीलिए मैं आपसे साझा कर रही हूँ ये. तो शुरू करते हैं कि द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन अपीयर्स टू बी हाईली बायस्ड इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स सीकिंग हायर एजुकेशन. देखिए, ये लाइन जो है ये हम सब ने रियलिटी में फेस की है. क्या क्या कह रही है ये लाइन? हमें इसलिए दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम और आप तो हायर एजुकेशन में आ गए, तो जो स्कूल एजुकेशन का हमारा प्रेजेंट सिस्टम है वो हाईली बायस्ड इन फेवर ऑफ स्टूडेंट सीकिंग हायर एजुकेशन. यानी सेकेंडरी एजुकेशन का ताना बाना इस तरह से बुना गया है, स्कूल एजुकेशन को इस तरह से बनाया गया है कि वो स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनको तो ये फेवर करती है, लेकिन वो जो वोकेशनल एजुकेशन अपनाना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए इसके पास कोई स्कोप नहीं है. Much of the workforce today that is needed in the society need the background of high quality skill based job oriented education. और वो कह रहा है कि आज की जो जनरेशन है, आज का जो समाज है, उसकी आवश्यकता क्या है कि हम उच्च स्तरीय, उच्च गुणवत्तापूर्ण, कौशल आधारित और जॉब ओरिएंटेड शिक्षा दे सके, ऐसी शिक्षा दे सके आपसे जिससे आपको जॉब मिले, है ना. पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं होने वाला है. तो एनईपी रिकॉग्नाइजेस दिस प्रॉब्लम. हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इस समस्या को पहचाना एंड आइडेंटिफाइज द नीड फॉर ऑर्गेनाइज्ड वोकेशनल एजुकेशन टू बी पार्ट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम. और उसने आवश्यकता महसूस की कि वोकेशनल एजुकेशन एक संगठित रूप में, सुसंगठित रूप में स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए. हम सिर्फ बात करते हैं, सदियों से बात करते चले आ रहे हैं, आज तक वोकेशनल एजुकेशन को स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं बना पाए. रोल ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कह रहे हैं NSDC, देखिए आप फुल फॉर्म जानिए, द रोल ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास जो कॉर्पोरेशन है, बिकम्स इंपॉर्टेंट इन डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड सर्टिफाइंग सच चॉइसेस टू क्रिएट ए हाईली नॉलेज बेस्ड स्किल ओरिएंटेड ह्यूमन रिसोर्स एट द स्कूल लेवल. यानी कि एक NSDC है, उसका रोल ये है कि वो यही करे, वो नमूना बनाए, वो इंप्लीमेंट करे, वो सर्टिफाई करे ऐसी को, जिससे कि आप एक हाईली नॉलेज बेस्ड, मतलब नॉलेज को छोड़ना नहीं है लेकिन स्किल को अपना लेना है, स्किल ओरिएंटेड ह्यूमन रिसोर्स को स्कूल लेवल पर ही तैयार कर पाए. फिर कंटिन्यूटी बिटवीन स्कूल करिकुलम एंड हायर एजुकेशन. तो हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी का क्या हिसाब किताब है अंटिल क्लास 10. देखिए, हम सब ने इसको महसूस किया है, हम सब लोग वो लोग हैं जो एनईपी 2020 से जिनका कोई नाता रिश्ता नहीं है, 1986 की राष्ट्रीय नीति के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे थे. तो ये कह रहा है कि क्लास 10 तक, अंटिल क्लास 10, स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन ए करिकुलम व्हिच इज नॉट टू बल्की और हैवी एंड देयर इज नॉट मच ओवरलोडेड. आप मानेंगे इस बात को कि 10th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो एक एक किताब होती थी, मतलब ठीक है 10th में क्योंकि बोर्ड रहता था, उसका प्रेशर रहता था, लेकिन इतना ज्यादा सिलेबस नहीं होता था. बट ड्यूरिंग क्लास 11 एंड 12, जैसे ही हम 11 12 में जाते थे, हमें लगता था कि हमारा मस्तिष्क चार गुना बढ़ गया है, हमारी क्षमताएं 8 गुनी बढ़ गई हैं और हम कितना पढ़ सकते हैं. मतलब साइंस की एक किताब होती थी 10th में, और क्या नाम है आपका 11 12th में आपकी केमिस्ट्री की दो दो, उसकी दुगुनी तिगुनी मोटी मोटी, उसी तरह से फिजिक्स मोटी, जूलॉजी की रमेश गुप्ता इतनी मोटी, रामायण की तरह से, तो कैसे वो बच्चा पढ़ पाएगा? अभी तो 10th क्लास पास करके आया है. तो ड्यूरिंग क्लास 11 एंड 12 द बल्क ऑफ द करिकुलम राइजेस स्टीपली, इतनी तेजी से करिकुलम बढ़ता है.
Also, in the present 10 plus 2 model, many students move to a new academic and social environment during class 11 and 12, which along with their heavy burden of preparing for competitive examinations and the course load causes them much stress and anxiety. तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा कोर्स लोड इतना ज्यादा हो गया और अभी आप आगे पढ़ेंगे जानेंगे कि हमने इतना मतलब 10th में बच्चे के पास इतना कम कोर्स है, 12th में आप उसको दुगुना चार गुना पढ़ा रहे हैं और उसके बाद जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको लगता है कि ये पढ़ाई बिल्कुल व्यर्थ है, ये जो बोर्ड में उसने पढ़ा है वो किसी काम का नहीं है, अब उसको नए सिरे से नए तरीके से नया पैटर्न पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। तो ये कितना मतलब एक तरीके का दुर्भाग्य है शिक्षा व्यवस्था का, कितना स्ट्रेस और एंग्जाइटी बच्चों को होता है। तो अब क्या है, अब कैसे सुधारने की कोशिश की गई है, जो एनईपी 2020 में ये मॉडल क्या कर दिया गया, 5+3+3+4, तो ये जो प्लस 4 है 9, 10, 11, 12, ये प्लस 4 क्या है 9, 10, 11, 12 वाला, उन्होंने प्लस 4 को एक यूनिट बना दिया है। तो अब जो उन्होंने 10 से 12 में जंप कराया था बहुत ज्यादा करिकुलम को, वो 9 10 11 12 में थोड़ा बांट दिया है, तो इससे जो लग रहा है कि राइज जो है वो उतना स्टीप नहीं है, यही कह रहे हैं। दिस प्रेशर गेट्स रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द प्लस 4 स्टेट बीइंग अ सिंगल यूनिट, इन्होंने 9 से 12 को सिंगल बना दिया यूनिट, 11 12 को अलग नहीं किया है। The curriculum should be uniformly distributed among the 4 years of study. और इन 4 सालों में आपको uniformly distributed curriculum पढ़ाया जाएगा, मतलब समान रूप से उसका वितरण होगा, without any steep rise, बहुत ज्यादा वो कहीं नहीं बढ़ेगा, enabling a smooth and seamless transition in terms of a gradual rise of level. और वो कह रहे हैं कि जिससे क्या होगा कि स्मूथ एंड सीमलेस ट्रांजिशन होगा और धीरे धीरे वो बढ़ेगा, उसका स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, जो कि बढ़ना चाहिए, जो कि ठीक है, बहुत तेजी से अचानक से नहीं बढ़ेगा। फिर टीचिंग गैप एंड इवेलुएशन, क्या टीचिंग गैप आपका सेकेंड ईयर हायर एजुकेशन में आता है, तो यस देयर इज टीचिंग गैप। क्या है, इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन द टॉपिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम्स डू नॉट कंप्लीटली मैच विद द टॉपिक्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर सर्टेन एंट्रेंस एग्जाम्स। यही बात अभी कह रहे थे ना कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर एंट्रेंस एग्जाम में हमारे लिए वो टॉपिक बेकार हो जाते हैं, such as IIT, JEE. This causes additional problems for the student in terms of time, requirements and effort. This can be eliminated by having common topics of study at the plus 4 level of school studies, even if there are different boards of study in the country. वो कह रहे हैं चाहे जितने बोर्ड देश में कंट्री में हो study के, आप plus 4 level पे इस तरीके के topic लाइए ना जो IIT, JEE में भी पूछे जाते हैं, तो बच्चे को थोड़ा तो सहूलियत हो। और द एग्जिस्टिंग मोड ऑफ स्कूल सिस्टम रिलाइज हैविली ऑन अ सिंगल एग्जाम एट द एंड ऑफ कोर्स, मार्क्स स्कोर्ड इन टेस्ट, क्वार्टरली एंड मिड टर्म एग्जामिनेशंस हैव नो वेटेज। दिस कैन बी एड्रेस्ड बाय कंटीन्यूअस एंड समेटिव असेसमेंट, पर्टिकुलरली फॉर लैब वर्क एंड प्रोजेक्ट्स। वो कह रहे हैं कि मतलब अब तो फिर भी बहुत चेंज हो गया है, अब तो क्या नाम है आपका CGPS में आपके मार्कशीट आती है स्कूलों में भी, लेकिन जनरली क्या होता था कि आप हैविली सिंगल एग्जाम पे लास्ट एग्जाम पे हम लोग रिलाई करते थे और जो बीच में एग्जाम होते रहते थे उनको कोई वेटेज नहीं दिया जाता था, तो इससे क्या होता था कि कंटिन्यूअस और समेटिव असेसमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन इन द प्रेजेंट सिस्टम इवेल्युएशन थ्रू द एंड कोर्स एग्जाम प्राइमरीली टेस्ट द रोट मेमोरी एंड द लोअर ऑर्डर थिंकिंग। और क्या होता है आजकल के समय में कि जो हमारा एंड कोर्स एग्जाम होता भी है वो केवल हमारी रोट मेमोरी को चेक करता है, हमारा स्मृति ज्ञान चेक करता है कि हमें कितना याद है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स चेक करता है यानी कि नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन भी नहीं। तो अनलाइक द प्रेजेंट मॉडल द एनईपी 2020 इंटेंड्स टू बिल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, दिस कैन बी अचीव बाय चेंजिंग द इवैल्यूएशन मॉडल। वो कह रहे हैं कि इवैल्यूएशन का मॉडल बदल दीजिए, एनईपी 2020 चाहता है कि बच्चों से उनके इवैल्यूएशन के टाइम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के सवाल पूछे जाएं, तो उसके लिए उस तरह से आपको पढ़ाना भी होगा। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्कूल एंड हायर एजुकेशन, क्या कोई कोऑर्डिनेशन स्कूल और हायर एजुकेशन के बीच में है, तो एट प्रेजेंट देयर इज नो बॉडी और एजेंसी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेजेस बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। कोई ऐसी बॉडी नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है जो शैक्षणिक और जो प्रशासनिक लिंकेजेस है, भाई स्कूल एजुकेशन का ही बच्चा तो हायर एजुकेशन में जाएगा ना, तो व्हाई देयर इज नो लिंकेज, व्हाई देयर इज नो बॉडी, व्हाई देयर इज नो एजेंसी। इससे क्या होता है, दिस ऑफन लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ डिसकंटेंट एंड डिसकनेक्ट बिटवीन द टू ओवरऑल एकेडमिक इनिशिएटिव्स, लर्निंग लेवल्स एक्सेट्रा, यानी कि बच्चे को भी नहीं पता है, टीचर को भी नहीं पता है कि सेकेंडरी एजुकेशन का लर्निंग लेवल क्या है, हायर एजुकेशन का क्या होना चाहिए। तो हायर एजुकेशन का क्या होना चाहिए, तो वही उससे मान लीजिए थोड़ा ही कमतर आप सेकेंडरी एजुकेशन में भी रखें ताकि बच्चे के लिए सेकेंडरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन में जाना एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज हियर दैट द आउटपुट फ्रॉम द स्कूल इज एसेंशियली द इनपुट फॉर हायर एजुकेशन। देखिए कितनी सही बात लिखी है, कह रही है कि ये तो हमको पता ही होना चाहिए ना कि जो स्कूल से निकल रहा है वही हायर एजुकेशन में आ रहा है, तो ये दोनों की जिम्मेदारी है।
हायर एजुकेशन की इसलिए कि वो अपना इनपुट बढ़िया करेगी तभी उसका आउटपुट बढ़िया होगा, और स्कूल एजुकेशन के लिए इसलिए कि उसका आउटपुट बढ़िया होगा तभी वो बच्चे हायर एजुकेशन में अपने आप को स्थान दे पाएंगे. दिस कैन बी एड्रेस्ड बाई द फॉर्मेशन ऑफ ए परमानेंट कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सिस्टम विच एट रेगुलर इंटरवल्स स्टडी एंड मॉनिटर द कनेक्टिविटी. वो कह रहे हैं कि आप एक परमानेंट कमेटी बना लीजिए जिसमें स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के मेंबर हों, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, और जो रेगुलर इंटरवल पे स्टडी करें, मॉनिटर करें उनके बीच की कनेक्टिविटी को. और कौन से एस्पेक्ट्स मॉनिटर किए जाएंगे? कंटिन्यूटी ऑफ पेडागॉजिकल मॉडल्स फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल्स. वो कह रहा है कि पेडागॉजिकल मॉडल देखिए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और रिक्वायरमेंट देखिए कि कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, किस लेवल के बच्चे को पढ़ाना है, तो वो हमें पेडागॉजिकल मॉडल की कंटिन्यूटी मिल जाए स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक. और क्या हो जाए? इवॉल्विंग एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन प्रोसीजर, हमको एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन का प्रोसीजर मिल जाए कि हम कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करें, हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का इवेल्युएशन कर पाएं. फिर कंडक्टिंग पायलट स्टडीज ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ ग्रुप्स, दोनों ही जो समूह है मतलब स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, उन पे पायलट स्टडी की जाएगी किसकी क्या आवश्यकता है. और पीरियोडिक फैकल्टी एक्सचेंज टू अप्रिशिएट द चेंजेस टू बी ब्रॉट अबाउट. हायर एजुकेशन का टीचर कभी आके सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ाए, सेकेंडरी एजुकेशन वाला कभी हायर एजुकेशन में जाए तो उसको पता चलेगा कि क्या अंतर है, क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे क्या डिफरेंस है, फिर वो अपने अपने यहाँ उसको लागू कर सकता है. ठीक है, फिर हायर एजुकेशन का डिजायर्ड सिनेरियो, हम चाहते क्या है, डिजायर्ड एथिक, हम चाहते हैं कि ये परिदृश्य हमें हायर एजुकेशन में दिखे. तो एक्सटेंसिव लैब वर्क इन द केस ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज एंड एक्सटेंसिव फील्ड वर्क इन प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज आर नीडेड एट द हायर एजुकेशन लेवल. यानी कि अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो अच्छा बढ़िया लैब वर्क हो, आर्ट्स के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं तो आपसे प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज कराए जाए, फील्ड वर्क हो बहुत बढ़िया. द अदर इंपॉर्टेंट चेंज इन द हायर एजुकेशन सेगमेंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ, ये आप जान ही रहे हैं, NEP 2020 बार बार कह रहा है कि इंटर डिसिप्लिनरी पढ़ाइए, लीडिंग टू क्रिएटिव इनोवेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव हो. और क्या हो, देर इज अ नीड टू कैच अप विद द प्रोग्रेस मेड बाई द डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज ने जो प्रोग्रेस कर दी है उस तक हमको पहुंचना है, उसको पकड़ना है. एंड ऑल्सो टू मीट द चैलेंजेस रेंजिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग टू स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, मतलब कि उच्च स्तरीय अनुसंधान हो. ठीक है, फिर क्या है, वोकेशनल एजुकेशन का हम डिजायर्ड सिनेरियो क्या चाहते हैं कि एनईपी रिकॉग्नाइजेस द प्रॉब्लम ऑफ नॉन वोकेशनलाइजेशन इन स्कूलिंग सिस्टम. कब से कहा जा रहा है कि वोकेशनलाइजेशन को आप इंक्लूड कीजिए स्कूलिंग सिस्टम में, 100 साल से ज्यादा हो गए, कहीं 100-150 साल हो गए है ना, लेकिन हम उसको अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं. एंड आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर ऑर्गेनाइज वोकेशनल एजुकेशन टू बी पार्ट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम एम्स टू फिल अ बिग लैकुना, बहुत बड़ा गैप है जिसको हमको फुलफिल करना है. हाउएवर अवर स्कूलिंग सिस्टम विच सो फार इज बायस्ड इन फेवर ऑफ हायर एजुकेशन, बस स्कूलिंग से निकलो हायर एजुकेशन में जाओ, स्कूलिंग से निकलो हायर एजुकेशन में जाओ, उसके अलावा हम कोई उसको प्रोविजन ही नहीं देते बच्चे को. द नेसेसरी इंपॉर्टेंस फॉर द सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ एजुकेशन, ड्यू रिकॉग्निशन व्हेन गिवन टू वोकेशनल कोर्सेज कैन इंक्रीज क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स एंड हेल्थ ऑफ सोसाइटी. अगर हम वोकेशनल कोर्सेज को पहचान देंगे, उसको उसका वाजिब स्थान देंगे, हम प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि वैसे भी सब बच्चा नहीं जा रहा है हायर एजुकेशन में, और जो नहीं भी चाह रहा है कि हायर एजुकेशन ऑप्ट करे वो भी जा रहा है बिकॉज कि उसके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है. तो दी वोकेशनल कोर्सेज ऑफर्ड एज पार्ट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम शुड मीट दी फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. क्या क्या होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन के पास? हाई क्वालिटी नॉलेज एंड स्किल्स, उच्च स्तर का ज्ञान कौशल, एक्वायरेबल थ्रू पार्टिसिपेटिव लर्निंग फॉर द रेलेवेंट सेगमेंट, नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दिस स्किल्स कैन बी डिप्लॉयड सच एज मार्केटिंग एंड सेल्स, बेसिक फाइनेंस, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. जिस भी क्षेत्र का व्यवसाय वोकेशनल एजुकेशन है उसमें उसको इन्वायरमेंट की हर चीज की नॉलेज और स्किल आपको देनी है. इस तरह की वोकेशनल एजुकेशन हम देश में चाहते हैं. अब लिंकेजेस की बात आएगी कि कहाँ कहाँ लिंकेज होना चाहिए. कोर्स लिंकेज होना चाहिए सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के बीच में, करिकुलम का भी लिंकेज हो, पेडागॉजिकल लिंकेज हो कि किस तरह से आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किस तरह से हायर में पढ़ा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेज हो, प्रशासनिक भी कोई आप लिंक मिल जाए हमको स्कूल और हायर एजुकेशन के बीच में, प्रोसेस एंड एडमिशन का लिंकेज हो, एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेज हो. तो बहुत सारे लिंकेज हैं, एक पहले से शुरू करते हैं कोर्स लिंकेज. स्कूल एजुकेशन ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेज शुड कंसिस्ट ऑफ सच सब्जेक्ट्स विच कैन एनेबल स्टूडेंट टू चूज आइदर स्किल बेस्ड जॉब्स और हायर एजुकेशन एट द एंड ऑफ क्लास 12. मतलब इस तरीके की आप सेकेंडरी स्टेज में पढ़ाई रखिए, सब्जेक्ट रखिए कि बच्चा चुन सके कि क्लास 12 के बाद उसको हायर एजुकेशन में जाना है या स्किल बेस्ड जॉब्स अटेंड करनी है. फिर
Some of the subjects like science and mathematics may be required both for students pursuing vocational courses or higher education. अब जा बच्चा चाहे हायर एजुकेशन में जाएगा चाहे वोकेशनल एजुकेशन में जाएगा, मैथ साइंस से उसको पढ़ना ही पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स इंटेंडिंग टू परस्यू हायर एजुकेशन नीड टू लर्न द रेलेवेंट सब्जेक्ट्स एट ग्रेटर डेप्थ एंड हायर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो हमको बस ये करना है क्योंकि जो टॉपिक्स कॉमन है, जो विषय कॉमन है, जो सब बच्चों को पढ़ने हैं, तो जो हायर एजुकेशन में जाएगा उसको उसको और ग्रेटर डेप्थ तक पढ़ना है और गहराई से पढ़ना है. एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट सीकिंग वोकेशनल कोर्सेज फॉर एम्प्लॉयमेंट हैव टू रिक्वायर मोर फंक्शनल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. लेकिन जो विद्यार्थी वोकेशनल कोर्स में जाना चाहता है उसके लिए उसी विषय का हमको कार्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, हम कर सके, यानी हैंड्स ऑन. कहते हैं मोर हैंड्स ऑन एंड एप्लीकेशन स्किल्स. दस इट इज इंपरेटिव टू ऑफर अ फ्यू सब्जेक्ट्स एट मल्टीपल लेवल्स रेलेवेंट टू दी स्ट्रीम. यानी कि हमको पता होगा कि साइंस एंड मैथमेटिक्स ये वोकेशनल लेवल वाली है, ये साइंस एंड मैथमेटिक्स हायर एजुकेशन वाली है. इस तरीके की पढ़ाई का कोर्स होना चाहिए. करिकुलम लिंकेज. करिकुलम डेवलपमेंट शुड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एडवांस लेवल कोर्सेज इन चोजन सब्जेक्ट्स नीडेड फॉर स्टूडेंट्स विद हायर एस्पिरेशंस फॉर देयर प्रोफेशनल परस्यूट्स थ्रू स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज एंड ऑल्सो हायर एजुकेशन सीकर्स. यानी कि एडवांस लेवल के कोर्सेज हमको पता हो कि हमको कहाँ जाना है वही वाला कोर्स पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन दैट इज 9th to 12th स्टैंडर्ड एज पार्ट ऑफ करिकुलम दी स्टूडेंट शुड बी ओरिएंटेड ऑन चॉइस ऑफ हायर एजुकेशन कोर्सेज टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अवेलेबल एंड ओवरव्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट मार्केट कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर स्किल्स सेट रिक्वायर. बहुत कुछ है. ये कहने का क्या मतलब है? कह रहा है कि 9 से 12 की वाली पढ़ाई में जब बच्चा पढ़ रहा है सबको पता है कि इसके बाद वो या तो हायर एजुकेशन में जाएगा या वोकेशनल एजुकेशन ज्वाइन करेगा, तो हमको उसको बताना होगा कि कौन से एम्प्लॉयमेंट के मार्केट तुम्हारे एरिया में अवेलेबल है, उसके लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फ्यूचर स्किल सेट क्या जरूरत है, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज क्या मिल सकती है. तो दिस एफर्ट इससे क्या होगा, विल इनेबल दी स्टूडेंट्स एट द फिनिशिंग स्कूल स्टेज टू हैव बेटर क्लैरिटी एंड कनेक्टिविटी विद हायर स्टूडेंट. तो अगर हम उनको इतना बता पाए और तो वो उनके पास एक बेटर क्लैरिटी होगी कि वो हायर एजुकेशन में जाएंगे या हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स के संग एक कनेक्टिविटी वो शेयर कर पाएंगे या वो जॉब में जाएंगे, वोकेशन को जाएंगे, है ना. पेडागॉजिकल लिंकेजेस. पेडागॉजी सच एज एक्टिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सब थोड़ी सी आपकी हैंड्स ऑन लर्निंग है ना, हैंड्स ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं. तो ये सब कराइए. हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर टीचिंग साइंस एंड मैथ एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. फॉर लैंग्वेज एंड सोशल साइंस एजुकेशन वो कह रहे हैं कौन कौन सी पेडागॉजी अच्छी होती है, जैसे रोल प्लेइंग, स्टोरी टेलिंग, ड्रामेटाइजेशन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एटसेट्रा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एटसेट्रा. तो कह रहे हैं कि इस तरीके का पेडागॉजिकल लिंकेज हो, मतलब कि जिस तरह से स्कूल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है उसी तरह से हायर एजुकेशन में भी हो, या हायर एजुकेशन में जैसे पढ़ाया जाता है उसका थोड़ा हिस्सा सेकेंडरी एजुकेशन में भी हो, ताकि ऐसा ना हो कि क्लास में वो अभी 2 महीने पहले एग्जाम के जो क्लासरूम में बैठा था तो एकदम अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा था और 2 महीने बाद उसे एकदम अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है. यहाँ उसको नोट्स दिए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में कहा जा रहा है नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना होगा. तो कभी कभी सेकेंडरी एजुकेशन में भी कंसेप्ट समझाने की बात हो ना, मतलब कुछ भी इस तरीके का एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि लिंकेज हो पेडागॉजी में. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेज. वो कह रहे हैं कि इन द लाइट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी द +2 प्रोग्राम कॉल्ड द PUC हैज टू इंटीग्रेट इनटू द न्यू मॉडल ऑफ 5+3+3+4 ईयर स्कीम. ये हमको समझ में आ गया कि 10+2 को एक्सटेंड करके 5+3+3+4 कर दिया गया है. लास्ट की जो 4 है वो 9, 10, 11, 12 है. तो ये कह रहे हैं कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बना लीजिए और उसको मर्ज कर दीजिए सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में. तो इससे क्या होगा, स्कूल लेवल एजुकेशन सिस्टम को हायर एजुकेशन से कंसिस्टिंग ऑफ बोथ स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स एंड द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स. हम उसमें यूनिवर्सिटी के भी प्रोग्राम है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है. तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम एट द एंट्री लेवल एंड दैट ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम एट इट्स एग्जिट लेवल शुड सीमलेसली मर्ज. वो कह रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम से जब आप निकलते हैं एग्जिट लेवल का जो स्टेज है और हायर एजुकेशन सिस्टम का जो एंट्री लेवल है उसको मर्ज कर दीजिए और इस तरीके का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेज बना लीजिए, तो बच्चों को आसानी होगी उनके ट्रांजिशन में जब वो सेकेंडरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन में जाते हैं तो. और इवेलुएशन प्रोसेस एंड एडमिशन लिंकेज. वो कह रहे हैं कि क्या होता है कि जैसे हमने बोर्ड का एग्जाम दे दिया उसके बाद भी हमको यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना. तो स्टूडेंट इज फोर्स टू राइट मोर देन वन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू ए डिजायर्ड प्रोफेशनल कोर्स. आपको CUET आजकल देना पड़ता है और अगर आप कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो दूसरे एंट्रेंस टेस्ट देने हैं. तो इससे क्या होता है, दिस क्रिएट्स ट्रिमेंडस स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग मेंटल हेल्थ परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी अपार्ट फ्रॉम हाई कॉस्ट एंड टाइम इनपुट. उनका समय जाता है, उनका पैसा जाता है, इसके लिए वो कोचिंग करते हैं. हाँ, उनकी मेंटल हेल्थ परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी सब इफेक्ट होती है. और क्या होता है कि द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्टेड हैव देयर ओन इवेल्युएशन अप्रोचेस फॉर्मेट्स एंड नॉर्म्स.
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका अलग ही इवेल्युएशन का पैटर्न है, उनका फॉर्मेट अलग है, उनके मानक अलग है. दीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल बोर्ड्स. और हमारे स्कूल बोर्ड्स ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया उनसे वो बिल्कुल भिन्न है. तो इससे क्या होता है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन द टाइम. बहुत बच्चे पे बोझ पड़ता है, उसके समय पे, उस पर वर्कलोड बढ़ता है और बहुत उसके लिए खर्चीला है ये हर माध्यम से, हर तरीके से. सिंस द कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कोर मैटर्स एंड नॉट द बोर्ड एग्जाम स्कोर, द बोर्ड एग्जाम्स हैव लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस. कह रहे हैं कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्कोर मैटर किया जाएगा, वो आपके बोर्ड वाले एग्जाम का कोई मानी नहीं रखते, या कहते हैं कि 50% वेटेज हम उसका देंगे. तो एक तरह से बोर्ड एग्जाम तो अपनी इंपॉर्टेंस ही खो रहे हैं, है ना. तो कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को. वो कह रहे हैं सीमलेसली अलाइंस द लर्निंग ऑब्जेक्ट, लर्निंग होना चाहिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम एंड दोज दैट आर इवैल्यूएटेड बाय द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर सिक्योरिंग एडमिशन टू हायर एजुकेशन. वो कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एडमिशन टेस्ट करा रहे हैं उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव और स्कूलिंग सिस्टम के लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप थोड़े मिला लीजिए. अलाइंस द इवेल्युएशन अप्रोच अडॉप्टेड बाय द स्कूल सिस्टम एंड दोज अडॉप्टेड फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन. उसी तरह से इवेल्युएशन का पैटर्न है, जो जांचने का पैटर्न है आपको, वो भी आप थोड़ा मिला लीजिए हायर एजुकेशन के एडमिशन वाला और स्कूल सिस्टम वाला, तो बच्चे के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी. एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेज, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, उनको आप स्कूल सिस्टम से मिला लीजिए, स्कूल वालों को थोड़ा एक्सटेंड करके यूनिवर्सिटी तक ले जाइए, तो एक लिंकेज मिल जाएगा एकेडमिक और रिसर्च. इन स्कूल एजुकेशन स्टूडेंट शुड बी इनकरेज विद प्रोजेक्ट सच एज इंस्पायर, DST स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एक्सेट्रा. सच प्रोजेक्ट विल मोटिवेट द चिल्ड्रेन टू डेवलप इंटरेस्ट इन साइंटिफिक रिसर्च. वगैरह स्कूल लेवल पे ही ले आएगी ना, इंस्पायर वाले DST के जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करता है, तो उससे बच्चों में थोड़ा सा रिसर्च के प्रति मोटिवेशन मिलेगा. और प्रोजेक्ट्स क्या है, इफेक्टिव लर्निंग टूल्स हैं. इन द न्यू पैटर्न मोर स्कोप शुड बी क्रिएटेड फॉर हैंड्स ऑन एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग सो दैट द स्टूडेंट्स एक्वायर एन एक्सप्लेनेटरी अप्रोच थ्रू द लर्निंग एक्सरसाइज. दिस हेल्प्स देम एक्वायर कैपेबिलिटीज टू सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. इन द लॉन्ग रन द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द स्टेट शुड कोलैबोरेट विद स्कूल्स. वो कह रहे हैं कि राज्य स्तर पर जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको विद्यालयों के संग कोलैबोरेट कर लेना चाहिए. The corporate R&D's research and development जो है आपका should actively involve with the schools and identify a few students in each school and encourage them to take up live projects connected with their curriculum. कह रहे हैं कि आप विद्यालय स्तर पर कुछ बच्चों को चुन लीजिए और उनको हायर एजुकेशन की रिसर्च से कोलैबोरेशन करा दीजिए, मतलब कुछ लिंकेज हो. ऐसा ना लगे कि सेकेंडरी एजुकेशन एकदम अलग पड़ा हुआ है, उसका हायर एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, जबकि हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है कि सेकेंडरी एजुकेशन का पास आउट बच्चा ही हायर एजुकेशन में एंट्री लेगा. तो देयर शुड बी अ लिंकेज. तो इतनी तरीके के लिंकेज सजेस्ट किए गए हैं, कोर्स लिंकेज, करिकुलम लिंकेज, पेडागॉजिकल लिंकेज आपका हो गया, इवेल्युएशन एंड एडमिशन लिंकेज आपका, रिसर्च लिंकेज, एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेज, सो मच, है ना. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और चूंकि हम लोगों ने इसको फेस किया है तो आप इससे एक सार हो सकते हैं, इससे एक मत हो सकते हैं, ठीक है. तो मतलब सार क्या हुआ इसका कि सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में लिंकेज होना चाहिए, देयर मस्ट बी, बट देयर इज नॉट. तो इतने तरीके के लिंकेज सजेस्ट किए गए हैं कि उसको अपना के आप थोड़ा सा इसको मिला सकते हैं, ठीक है. सॉरी. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माय